छोटू भाई को अलग राज्य चाहिए और उसके लिए भीलिस्तान के लिए उनकी संवैधानिक दलीलें भी हैं और शक्ति प्रदर्शन की दलीलें भी हैं। हम पूरा देश मांगेंगे, भीलिस्तान नहीं मांगेंगे, एक दफे नहीं 10-15 दफे मांगेंगे। छोटू भाई अब बूढ़े हो गए हैं तो अब उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। बेटा अलग राह भाग रहा है, पिता अलग राह भाग रहा है। आपके बेटे महेश भाई वसावा, तो उनको आपने मुक्त कर दिया विधायकी से? मुक्त नहीं किया है, ज्यादा लाने के लिए किया। अमित शाह क्यों परेशान है छोटू भाई वसावा से? इस तहसील में इतना खनन पड़ा है, वो सब निकालना है उसको, इसलिए हमारा विरोधी आदमी है वो। भारतीय जनता पार्टी, ये जो 27 सीटें हैं जो ST के लिए रिजर्व हैं, यहाँ पे परंपरागत रूप से कमजोर मानी गई है, क्या वजह रही इसकी? नहीं, उन्होंने जो गलती किया है ना, वो जो अटैची ऑफ यूनिटी बनाया है इधर, इसमें 70 गांव हमारे चले गए आदिवासियों के। छोटू भाई वसावा तो मिले हुए थे किसको? बीजेपी से। तो हमने पूछा कैसे तो बीजेपी में क्यों नहीं गया? बोले कि वो अपने घर से आए, पुलिस की सुरक्षा में आए वोट डालने। शंकर सिंह वाघेला सब इसमें कांग्रेस में जाने की बात, वो पहले था बीजेपी में। हम ऐसा नहीं करते हैं ना, उधर जाना उधर जाना उधर जाना। आपको लगता है कि इस बार के गुजरात चुनाव में मोरबी का जो हादसा है वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा? जो मुखिया था उसका, जो घड़ियाल वाला कंपनी, उसको तो भगा दिया, तो कहीं लगता है कि इसमें सरकार का ही हाथ होगा ना। शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए, घर घर दारू मिलता है ना, खासतौर वो पुलिस स्टेशन में मिलता है दारू। पुलिस स्टेशन में दारू मिलता है? सब बड़ी कहानियां चलती हैं छोटू भाई, इन्होंने इनको इशारा किया, ये वोट वहाँ, ये वैलिड, ये इनवैलिड। इतना क्लोज चुनाव, रात में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। अमित शाह ने बताया हो तो उसको भी पूछ लेना, हमको क्या पूछते हो। अभी द्रौपदी मुर्मू जी जब खड़ी हुई बीजेपी के तरफ से, NDA की तरफ से, आदिवासी समाज से आने वाली एक महिला, वो तो है लेकिन लेबर जैसा काम करती है, बंधुआ मजदूर है। जिनसे आप सांसदी का चुनाव हारे, वो तो अब यही प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के नेता की, ये देखिए ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हम नहीं मानते हैं ना, हम हिंदू है ऐसा जी, हमारा धर्म अलग है। 44 नंबर और आपकी गाड़ियों की नंबर प्लेट, ये 44 नंबर का क्या मोह है? ये आम आदमी पार्टी से गठजोड़ हो या ना हो, इसको लेकर बड़ा मतभेद है पार्टी में। लड़की पसंद नहीं आई, लड़की पसंद नहीं आई। अगर उस इलाके में अरवली से लेके और नीचे नर्मदा और तापी तक काम धंधा करना है तो छोटू भाई की इजाजत चाहिए, सरकार की इजाजत तो ठीक है। हम सालों से MLA, कोई रक्षा तो मिलती नहीं है, कोई देता नहीं है, तो मुझे तो डाउट है वो सरकार हमको कभी भी मार सकती है, हमारे परिवार को। छोटू भाई के पास पार्टी चलाने के लिए इतने संसाधन कहाँ से आते हैं, पैसा कहाँ से आता है? राज है ऐसा। क्या राज है?